कि बार बार जो है बीजेपी असेंबली इलेक्शन से भागने का काम कर रही है, इतना डर क्यों? आइए मैदान में उतरिए और कई कीजिए लोगों का सामना, देखते हैं कौन कहां पे खड़ा है। पाकिस्तान से पूछ के हम अपने मंत्री बनाते हैं, अगर हम पाकिस्तान से पूछ के अपने मंत्री नहीं बनाते तो फिर हम क्या उम्मीद लेके बैठे हैं कि पाकिस्तान हमसे पूछ के मंत्री बनाए? ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हमें इससे क्या लेना देना? एलजी साहब तो कल के आए हुए हैं, कल के चले जाएंगे, बंदूक दिखा के उनको गलत गलत सपने दिखाए गए, वो सपने वैसे के वैसे ही रहे, लेकिन यहाँ कब्रिस्तान भर गए, हमारी नदियां जो है वो खून से भर गई। एलजी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की जो हम पहले से नहीं कहते आए हैं, हमने भी पहले ही से ये कहा कि बंदूक उठाना जो है वो जम्मू कश्मीर के फायदे की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इससे नुकसान होगा। और जैसे मैंने आपसे कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद अगर किसी ने इस बंदूक का नुकसान देखा है वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जहां हजारों की तादाद में मेरे साथी जो हैं कुर्बान हुए इन पिछले 30-35 सालों में। किस मुल्क की मिनिस्टर बनी? पाकिस्तान। तो हमारा क्या लेना देना उससे? हमारा क्या लेना देना ना? तो फिर बात करेंगे, अभी तक तो अनाउंस हुआ नहीं। सुना है एक आध कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतर चुका है, लेकिन हमें तो अभी इसकी कोई खबर मिली नहीं है। अपनी जगह तैयारी करेंगे, जिस वक्त यह इलेक्शन का ऐलान होगा हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर यूएलबी भी, पंचायत भी, पार्लियामेंट भी, तो असेंबली क्यों नहीं? आखिरकार क्या वजह है? क्या कहा ना उन्होंने, कहा है कि यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड जो है वो ज्यादा कंसर्न किया है। राहुल गांधी ने कहा, मेरा उससे क्या लेना देना ना? आप एक सवाल राहुल गांधी से पूछिए, वो लद्दाख में है, जाहिर सी बात है उनके साथियों ने उनको कुछ बताया होगा, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? जिद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए, हम अपने सिंबल पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन को इससे एतराज क्यों? पहले भी हम हाईकोर्ट गए, वहां सिंगल जज बेंच ने हमारे हक में फैसला किया, उसके बाद 300 पेज का उन्होंने पिटिशन दाखिल करके डिवीजन बेंच के सामने लिया, वहां पे भी हम अल्लाह के फजल से कामयाब हुए। अब सुनने में आया है कि एक एसएलपी फाइल करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। आखिरकार ना हिल काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिंबल इतना बड़ा इशू बन गया कि उसको सुप्रीम कोर्ट लेना पड़ा। लेकिन चलिए ना, कोई बात नहीं, हमारे वकील तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट इसको एडमिट करे तो हम वहाँ पे भी इंशाल्लाह कामयाबी की उम्मीद लेके जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा, देखा मैं लद्दाख में हूँ नहीं, मुझे पता नहीं कितने साल हो गए लद्दाख गए हुए, लद्दाख की ज़मीनी सतह पर हालत क्या है मैं उसके बारे में आपको कह नहीं सकता हूँ। राहुल गांधी खुद लद्दाख में हैं, मैंने जैसे कहा जाहिर सी बात है कि शायद अपने साथियों से उन्होंने कुछ सुना होगा, सुना है तो वही बेहतर बता सकते ना, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता। हम भी कहते ना, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को गलत रास्ता दिखाया वही कसूरवार है। बंदूक किसने लाया? जहां आप खड़े हैं, जिस तंजीम के दफ्तर पे आप खड़े हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद इस तंजीम ने दी हैं। हमारा दफ्तर जो है भरा हुआ है उन लोगों की तस्वीरों से जो पिछले 30-35 सालों में ग्रेनेड, माइन, गोलियों के शिकार हुए हैं। ये आप मुझसे कह रहे हो ना कि यहाँ तबाही का क्या असर रहा है, वो मेरे साथियों से पूछिए, मेरे फैमिली मेंबर से पूछिए, मेरे दोस्तों से पूछिए, हमें पता है ना, हमें पता है इस बंदूक का कितना असर यहाँ के फैमिलीज पे पड़ा हुआ है। और हमने पहले दिन से कहा कि यहाँ के लोगों को गुमराह किया गया।